तो आ गए। आज मेरे पास इतनी कमाल की चीज है ना, इतनी कमाल की, तुम लोग का भाई दिल उछलेगा, इतना कि भाई उछल उछल के तुम्हारे हाथ में आ जाएगा दिल। तुम लोग को काली गुलाबी वाला बच्चा तो याद ही होगा, ब्लैक पिंक ब्लैक पिंक ब्लैक। खैर वो बच्चा तो एक राज बन के रह गया है, लेकिन आज मैं जिस बच्चे को लेके आया हूँ, तुम लोगों ने भाई दबा के भेजी है मुझे इसकी वीडियो। और क्यों भाई, कुछ कर दे तो आप लोगों का हुक्म सराखों पर कर देते हैं कुछ। ब्लैक पिंक #roast EP1। टाइटल थंबनेल देख के ही पता चल रहा होगा कितनी बुरी होगी ये वीडियो, यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग इससे। लेकिन एक बार यार नजर डालो यार, गौर फरमाओ इस वीडियो पे। इसकी शक्ल पे मत जाना, बहुत ही नटखट मायावी जहरीला बच्चा है ये, चाय में मेयोनीज मिला के पीता है, इससे मजाक नहीं भाई। ये नई चीज निकली है, मतलब हो क्या रहा है यार, ये बच्चा करना क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? तुम लोग क्या भाई खास हो बहुत ज्यादा एकदम, मतलब कि तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी ये करने से? क्या है यार आजकल के बच्चे, ऐसा लग रहा है भाई तीन शैतानी आत्मा इसके शरीर में घुस के कुश्ती खेल रही है। ये जो शैतानी नाच पट्टी इसने करी है ना अभी, मैं समझ चुका हूँ ये कौन है, मोनू। ये प्रजाति अपने आप को अलग अलग जीव जंतुओं में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इस बार मोनू ने एक बच्चे का रूप लिया है। जिन लोग को समझ में नहीं आया ये बच्चा क्या कह रहा है, तो ये छोटा नाग कह रहा है कि ब्लैक पिंक का रोस्ट चाहते हो, ब्लैक पिंक का रोस्ट। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बच्चों के स्कूल खुलवा दो, नहीं तो इनके कैरियर पे रोस्ट इनके माँ बाप कर रहे होंगे। घोर कलयुग है, बिस्तर में मूतने वाली उम्र में साले आके यूट्यूब पे मूत रहे हैं। फर्स्ट वो ब्लैक पिंक नाम रख सके, सबसे पहले इस बच्चे को उनके नाम से दिक्कत है। एक बार भाई इसके नाम पे नजर डालते हैं, फायर आईज गेमिंग। कहीं से भी देख के लग रहा है ये अपनी आंखों से आग उगलेगा, किंडर गार्डन के जोकर। एक देखो ब्लैक ब्लैक नाइन जूतों पीटा कोरे तो के बाबर काचे छेड़े आसबो। तो जिन लोग को समझ में नहीं आया अभी मैंने इस बालक को क्या बोला, तो ये एक रहस्यमयी भाषा है जो मोनू से बात करने के लिए यूज की जाती है। अगर तुम्हें इसका मतलब पता है तो नीचे कमेंट करो, मैं पिन कर दूंगा। लीसा पीसा जीसू पीसू जेडी पेनी रोजे पोजे चिमटा चांटा बम्बू बल्ली सरिया से कोई नहीं सूतेगा इसे। इसके पैर छुओ सब और जाके आशीर्वाद लो। इसका स्वैग भाई कूट कूट के बाहर आ रहा है। इन लोग के मम्मी पापा क्या देखते नहीं है? ये कुल्हाड़ी पीटने की आवाज क्यों आ रही है? क्या लक्कड़हाड़े आए हुए हैं? क्या है यार, जिगरा चाहिए होता है यार इतना स्वैग पूर्ण वीडियो बनाने के लिए। मेरे पास तो अभी भी नहीं है इतना स्वैग। अगर तुम लोगों के पास है इतना स्वैग जो कूट कूट के बाहर आ रहा है तो यार नीचे कमेंट कर देना। अभी मुझे पता लगा ये कुल्हाड़ी पीटने की आवाज नहीं है, मोटर चलने की आवाज है, या फिर यार कूलर चल रही होगी इसके घर में। दूदू 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 नहीं यार, क्यों नहीं होना चाहिए बच्चों को ऐसा, दूदू दूदू। अपने दूदू खाई था अपने हम बोरो यार। ये जो ट्रांजिशन कर रहा है ना ये बच्चा हाथ मार मार के, इसके पापा ने अगर अभी ये देख लिया, इसके चांद से मुखड़े पे चमाट मार मार के ट्रांजिशन करेंगे। लीसा माने पिसा, ये तो छोटू के बोल तो ऐसे रहा है मानो खुद भाई एक दानव है। जैक एंड द बीनस्टॉक में यही वो जल्लाद था जो पेड़ों की टहनियों में अपना घोंसला बनाया था। तो इन मेरा चुस्कन पागल दर वो तो ना चुस्कन। मुझे कोई आइडिया नहीं है ये बच्चा आखिर करना क्या चाहता है। इसको चेनों से बांध के रखने की जरूरत है, यही बच्चे फिर बड़े होके गुमशुदा हो जाते हैं। यही बच्चे तो हैं नेक्स्ट जेन यूट्यूबर। ब्लैक डॉगी, भाई क्या है तुम लोगों की मॉडर्न लैंग्वेज यार, मुझे समझ नहीं आती। जब इस बच्चे ने कहा ना ब्लैक डॉगी, मेरा पूरा शरीर भाई कांप गया। ज्यादा खट्टा खा लेने पे भाई हिल नहीं जाती एकदम से बॉडी, वैसी दशा हो गई मेरी। अच्छा फालतूला
ब्लैक डॉग की जगह ब्लैक डोंकी रखती। ओहो हो गुरु, मजा दिला दियो एकदम। कितना फनी था यार, कितने लोग फनी मानते हैं इस चीज को, क्योंकि मैं तो हंस हंस के मर रहा हूँ। ह्यूमर बहुत तगड़ा है हमारा, हम बनेंगे यूट्यूबर। आप लोगों ने कभी सोचा है एक रोस्ट वीडियो कितना बुरा हो सकता है? आप लोगों के सामने ही है, इससे बुरा नहीं हो सकता। इतना नकली, इतना घटिया, इतना बर्बाद मैंने तो नहीं देखा आज तक। नहीं नहीं नहीं, देखा है, देखा है मैंने, इससे भी बर्बाद यार, इस बच्चे से भी ज्यादा बर्बाद। और हाँ बेटा, आप क्यों लीवा रोजे माने पोजेड एट द गार्निश में लिखा पोजे काने सुन ये जो फोन के रिकॉर्डर में पंखा घुसेड़ के रखा है ना इसने, इतना प्लीजिंग लग रहा है कानों को। आह मस्त मस्त भाई, बहुत मस्त, हद से ज्यादा मस्त। इस घर में भाई काला साया है, पर्दे खोल दो, तीन चार नागराज निकल आएंगे। आधी वीडियो में तो ये बच्चा भाई अपने किलिंग एक्सप्रेशंस दे रहा है, नहीं कैटवॉक दिखाना चाह रहा है तू। जब कोई बच्चा या बच्ची किंडर जॉय का खिलौना तोड़ते तोड़ते बोर हो जाता है ना, तब बनता है किसी का चेहरा ऐसा। ट्रेलर थोड़े, थोड़े, थोड़े। अरे ताली क्यों बजा रहे हो यार? जब ये बच्चा स्कूल से वापस आता है, थोड़े, थोड़े, थोड़े। जब ये ट्यूशन से वापस आता है, थोड़े, थोड़े, थोड़े। जब ये वीडियो बना के वापस आता है, थोड़े, थोड़े, थोड़े। जिंदगी एक मजाक और ताली के बराबर ही है और कुछ नहीं। मुझे पता है तुम लोग फनी होने की कोशिश कर रहे हो, फनी होगे तो ज्यादा व्यूज आएंगे, लेकिन बोल तो लो ढंग से, ये क्या है चंपा चंपा भाई, क्या है यार? या तो मेरे कान खराब हो गए या ये ऐसे बोल ही रहा है। इसके यूट्यूब करियर के लिए हम 3 सेकंड का मौन रखेंगे। ये अपने भाई को भी ले आया, ये आंखों का छलावा है बस, असल में ये भी एक मोनू प्रजाति का ही शिशु है। अगर आप लोगों को ऐसे बच्चे कहीं पे भी दिखे तो उन्हें वहीं के वहीं रोके। यही बच्चे जो आज आपका दूध पीते हैं, वो बड़े होकर दूध वालों में विकसित हो जाएंगे। इसीलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है, जहां पर भी कोई बच्चा आपको ऐसी हरकतें करता दिखे फौरन रोकिए, ना मोनू बने ना मोनू बनने दें। तो बस आज के लिए इतना काफी था, प्लीज इस बच्चे को जाके हेट मत देना, जो कहना था मैंने कह दिया, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, घर में बैठ के दूध पियो यार। और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे दूध पीने जाना है, बाय।